उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना घटित हुई वो आप तमाम लोग जानते हैं। वहां 6 मुस्लिम नौजवानों को गोली लगी जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जामा मस्जिद की सर्वे के बाद विवाद शुरू हुआ। दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि वो मस्जिद असल में मस्जिद नहीं बल्कि 1529 में बाबर के द्वारा तोड़ी गई एक मंदिर पर बनाई गई मस्जिद है, यानी कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं और इसी के लिए सर्वे कराने की मांग की गई थी। एक दिन सर्वे हुआ, सब कुछ ठीक रहा। दूसरी बार 23 तारीख को उपचुनाव के रिजल्ट आने के अगले दिन 24 तारीख को एक बार फिर सुबह सवेरे लगभग 6 बजे के आसपास सर्वे करने के लिए टीम पहुंच गई। फिर वहां क्या हुआ आप बखूबी जानते हैं। हालात बिगड़ गए, लोग विरोध कर रहे थे, इसी दरमियान पत्थरबाजी की बात सामने आई, प्रशासन ने गोली चलाई। ऐसा दावा किया जाता है कि उनकी गोलियों से 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन इस दावे को सीधे तौर पर झुठलाती है और ये कहती है कि किसी भी तरीके की गोली हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं लगी है। पोस्टमार्टम करवाया गया है, रिपोर्ट्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे किस आधार पर होंगे वो बाद की बात होगी। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें प्रशासन लगातार एक्शन में है। खबरों के अनुसार के बिश्नोई जो वहां के SP हैं और जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि हम पूरी तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं और हमने लगभग 2500 से ज़्यादा लगभग 2700 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया है, यानी कि इसमें ज़्यादातर लोग जो मुसलमान होने की बात सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में मुस्लिम नौजवानों के बाद अब ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पहले 25 से 26 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की बात सामने आई थी। अभी 3 तस्वीरें सामने, एक तस्वीरों में 3 महिलाओं की तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं और इनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। मेरे स्क्रीन पर जो दाईं तरफ आपको दिखाई दे रही हैं इनका नाम नजराना है, जो आपको पीले शॉल में दिखाई दे रही होंगी। वहीं एक तरफ आप जो हिजाब में एक महिला और बुरके में देख रही हैं इनका नाम फरहाना बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप एक महिला को देख रहे हैं जिनकी जो बूढ़ी महिला आपको लग रही होगी इनका नाम रुकैया है। खबरों के अनुसार इनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के संभल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जो खबरें सामने आई है उस आधार पर हम आपको बताएं, ये खबर साझा करते हुए जी न्यूज़ ने लिखा है कि संभल में दंगा भड़काने के मामले में 3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई है। ये पहली बार शायद हो रहा है, बहुत रेयर ऐसी खबरें सामने आती है कि पुरुषों के बाद अब महिलाओं को भी गिरफ्तार करना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इस खबर को लेकर के और भी कुछ खबरें सामने आ रही है आपको बताते चलें। द मुस्लिम ने एक खबर प्रकाशित करते हुए लिखा, लोकेशन संभल उत्तर प्रदेश, 3 मुस्लिम महिलाओं को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है जिनमें रुकैया, फरहाना, नजराना शामिल है। मुस्लिम नौजवानों को जेल में सड़ाने के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को जेल में सड़ाया जाएगा। ये बातें इनके द्वारा ट्वीट की गई है। ये वो तस्वीर है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रुकैया, फरहाना, नजराना को 2 महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें लेकर के अभी पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।